अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली हमारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। एक यूज़र डिफाइंड क्लास हम कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर कुछ डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस वगैरह उनको इनिशलाइज डिक्लेयर करके उसको फर्दर जो है कोई मेन मेथड में जाके इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई है, लास्ट लेक्चर हमारा था सॉर्टिंग के ऊपर, एरेज को हमने इस्तेमाल किया और हमारा ये जो जावा प्रोग्रामिंग, हमने एरे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन की और उसमें आपने देखा होगा कि एरे को जो है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर आप में से किसी ने एरेज की जो है एप्लीकेशन और उसकी डिटेल्स देखनी है कि उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के जो मेरे सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उसके अंदर आपको एरेज से रिलेटेड काफ़ी मजीद जो है डिटेल्स मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो क्लासेस के हवाले से है। उसके कुछ बेसिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फिर देन हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके और एक एग्जांपल प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक क्लास जो है क्रिएट कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट क्या होंगे इस लेक्चर के? जी, इंट्रोड्यूस टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आप बताता हूँ, जो छठवां या सातवां मेरा कल लेक्चर जो है इसी सीरीज के अंदर, वो क्लासेस के ऊपर है, लेकिन वो क्लासेस जो हैं बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और कुछ डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिस्कस हुई पड़ी हैं। तो वो जस्ट मैंने इसलिए लेक्चर इंक्लूड किया था ताकि आपको जो एक डिफ़ॉल्ट हम क्लास जनरेट करते हैं कोई भी पैकेज बनाते हुए, जावा प्रोग्राम का जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसमें पैकेज बन जाता है और पैकेज के साथ आपने देखा होगा एक डिफ़ॉल्ट उसी पैकेज नेम वाली क्लास भी बन जाया करती थी और उस क्लास के बाद हम मेन मेथड लिख के उसमें जो भी प्रोग्राम्स वगैरह एग्जीक्यूट करते थे वो किया करते थे। अब यहाँ पर जो डिस्कशन है आज की, जो ये टॉपिक की डिटेल है, ये जावा प्रोग्रामिंग की एक ऐसी क्लासेस के ऊपर है जिसमें आप अपनी मर्जी के जो है कुछ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस वगैरह जो है ना आप डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं उस रेलिवेंट आपकी क्लास के नेम से। तो फर्दर इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप क्या होता है, अंडरस्टैंड हाउ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लर्न सो फार आर सपोर्टेड इन जावा, और इसमें ये भी डिटेल आपको आइडिया हो जाएगा कि जावा में क्या क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट फीचर्स इन जावा क्लासेस। तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं जी। जावा इज अ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड देयरफॉर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑल जावा प्रोग्राम्स इन क्लासेस। Anything we wish to represent in Java must be encapsulated in class that defines the state and behavior of the basic program component known as object. तो हम ऑब्जेक्ट्स बना बना के फिर फर्दर उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं जो हम एक डिफॉल्ट क्लास बना रहे हैं। क्लासेज क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूज मैथड्स टू कम्युनिकेट बिटवीन दैम। दे प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है कि जी कम्युनिकेट बिटवीन देम मेथड जो है वो बेसिकली क्या होता है, आप डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और वो स्पेसिफिक जो मेथड है आप उस क्लास का एक्सेस कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी टास्क परफॉर्म करना हो वो परफॉर्म कर लेते होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, क्लास के साथ हमारे कम्युनिकेशन करते हुए मेथड्स वगैरह या डाटा मेंबर को एक्सेस करते हुए यूज हो रहे होते हैं। दे प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड फॉर पैकेजिंग अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम्स एंड फंक्शंस दैट वर्क ऑन देम। तो उसमें जाहिर बात है जिस किस्म की आपने क्लास बनाई होगी, सपोज इस ट्यूटोरियल में जो हम देखेंगे वो एक सर्कल क्लास बनाएंगे, तो सर्कल क्लास में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उससे रेलिवेंट यही होता है कि रेडियस हो गया और कुछ सर्कमफेरेंस हो गया, एरिया फाइंड करना हुआ, तो ये सारी उस सर्कल से रेलिवेंट जो है डाटा आपको फील हो रहा है। तो रिलेटेड डाटा एंड फंक्शंस जो हैं वो लॉजिकली जो मिलते जुलते स्टाइल के हों वो हम एक पैकेज में डिक्लेयर करते हैं। एक क्लास एसेंशियली सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड बिहेव्स लाइक अ बेसिक डाटा टाइप लाइक इट
अब होता क्या, जब आप क्लास को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो क्लास का जो नेम आप रखते हैं तो वो ऐसे बन जाता है जैसे आप अपना कोई डाटा टाइप जो है ना बनाते हैं। ए क्लास एसेंशियली सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड बिहेव्स लाइक अ बेसिक डाटा टाइप इंट। इसका मतलब सिंपली है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जैसे हम बनाया करते हैं स्ट्रक्चर या क्लासेस के अंदर, तो क्लास का जब भी आप कोई नेम रखेंगे वो नेम एज ए डाटा टाइप यूज होगा ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे इंट और फ्लोट वगैरह हम लिखते हैं इसी तरीके से वो लिखेंगे। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द फील्ड्स एंड मेथड्स आर डिफाइंड इन अ क्लास एंड हाउ दे आर यूज टू बिल्ड अ जावा प्रोग्राम दैट इनकॉर्पोरेट्स द बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स सच एज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्लासेस का टिपिकल स्टाइल क्या होता है, क्लासेस क्या होती है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जिसे डाटा कहते हैं हम, एंड मेथड्स लाइक प्रोसीजर फंक्शंस जिसे हम कहते हैं, दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा। तो क्लास बेसिकली एक कलेक्शन होती है फील्ड्स, डाटा और मेथड्स, मेंबर फंक्शंस का, और उसके जरिए से हम प्रॉपर कोई ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, या जैसे कोई फंक्शंस वगैरह कॉल करके उससे रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो ऑब्जेक्ट्स के साथ डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और स्पेसिफिक जो भी हमारा मेथड होगा, जो भी डाटा मेंबर होगा उसको एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं जी सर्कल एक क्लास है, उस क्लास के पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। डाटा मेंबर के तौर पर सेंटर रेडियस होगा, एक उसका वेरिएबल होगा डाटा मेंबर उसे कहेंगे, और क्लास की डिक्लेरेशन के दौरान हम ये डाटा मेंबर डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद दो मेथड्स हैं मेंबर फंक्शन जो होंगे उस क्लास के डिक्लेरेशन के टाइम पे बता देंगे, सर्कमफेरेंस क्या है और एरिया क्या है, और उनके फार्मूले भी वहीं पर डिफाइन कर देंगे जैसे हम मेथड के यूज़र डिफाइंड मेथड्स में हमने पढ़ा था कि कैसे फार्मूला डिफाइन करते हैं किसी भी फॉर्मल पैरामीटर्स के जरिए से। अब इसका सिंटैक्स क्या है, टिपिकल लिखने का तरीका क्या है क्लास को, क्लास के अंदर सबसे पहले तो हमारे जहन में यही चीज़ होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें मेन दो चीज़ें आती है, एक फील्ड्स और दूसरा मेथड। उसको डिक्लेयर करते हुए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, उसका कोई डिटेल्स टेल अगर कोई फर्दर सुपर क्लास एक्सटेंड ये वो लिखेंगे। उसके अलावा सिंपली आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने और क्लोज होने के बाद फील्ड्स को डिक्लेयर करेंगे और मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेरेशन में आप उसकी डिटेल्स जो भी होती हैं वो लिख देंगे। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे एक एम्प्टी किस्म की क्लास है, पब्लिक क्लास सर्कल और कर्ली ब्रैकेट के अंदर माई सर्कल क्लास, इसमें कोई हमने मेथड्स फील्ड्स ये वो भी डिक्लेयर नहीं किया, तो ये जो खाली वाली क्लास है इसको बे बॉन क्लास, नो फील्ड्स नो मेथड्स ये कहेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं जी, कोई फील्ड्स वगैरह ऐड करने हो डिक्लेयर करने हो उसका तरीकाकार क्या है। एग्जांपल क्लास वही ले लेते हैं सर्कल, उसके अंदर सपोज के हम लिखते हैं जी पब्लिक डबल एक्स कॉमा वाई, ये हमारे दो वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे डबल डाटा टाइप के तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, क्लास के कोई से दो डाटा मेंबर हो जाएंगे, कोई सी दो फील्ड्स हो जाएंगी। और तीसरा एक वेरिएबल जो है हम यहाँ पे रेडियस आर नेम का हम ले लेते हैं, तो ये बेसिकली तीन जो है इसके डाटा मेंबर हो जाएंगे हमारी क्लास सर्कल के, सर्कल क्लास के तीन डाटा मेंबर हो जाएंगे। द फील्ड्स डाटा आर ऑल्सो कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल्स, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल भी कहलाते। आई होप आपको डाटा मेंबर डिक्लेयर करना क्लास के अंदर उसका तरीका समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी मेथड्स के ऊपर। क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स के साथ मेंबर फंक्शंस जो मेथड्स होते हैं उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और फिर बाद में उसको कैसे यूज किया जाता है। क्लास विद ओनली डाटा फील्ड हैज नो लाइफ, ओके। ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय such a class cannot respond to any messages, methods are declared inside the body
ऑफ क्लास बट इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डेटा फील्ड्स। जब भी आप डेटा फील्ड्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं उसके बाद आप फिर मेंबर फंक्शंस मेथड्स जो होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ मेथड डिक्लेरेशन इज दिस वन। आप मेंबर का जो मेथड होगा उसका नेम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे और पैरामीटर्स की लिस्ट लिखेंगे, पैरामीटर्स के भी डेटा टाइप उसके अंदर डिटेल में लिखेंगे। देन उसके बाद वर्किंग जो फॉर्मूला है वो बॉडी ऑफ मेथड के अंदर हम लिखेंगे। दोस्तों ये ऐसे है जैसे हमने यूजर डिफाइन मेथड्स, यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़े हैं उसी तरीके से ये मेथड इसके अंदर डिक्लेयर होंगे। सिर्फ फर्क क्या होगा कि ये मेथड हम किसी क्लास की बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होंगे। ये मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ कि कैसे हम एक क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स वगैरह लिखते हैं। ये जी हमारे पास एग्जांपल आ गई क्लास नेम की, उस पर हमने पब्लिक डबल एक्स कॉमा वाई ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। ये वेरिएबल किस लिए होंगे? ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह के लिए, सेंटर ऑफ सर्कल और एक्सेट्रा जो चीज़ आप आगे फर्दर यूज़ करना चाहें उसके लिए होगा। ये आगे मैं इस्तेमाल करके भी इसको प्रॉपर प्रोग्राम परफॉर्म करके भी आपको दिखाऊंगा। देन उसके बाद रेडियस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। देन इसी कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक कलर की जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है ये क्लोज हो रही है एंड पे जाके, जो एंड पे क्लोज हो रही है दरमियान में हमने पहले डेटा मेंबर लिखे, देन हमने जो मेथड है यूजर डिफाइंड मेथड वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमने दो जो है मेथड्स ले लिए, एक सरकमफेरेंस के नेम का और दूसरा एरिया के नेम का। जो सरकमफेरेंस है उसको अगर हम डिक्लेयर करें और उसकी फर्दर फार्मूला वगैरह डिफाइन करें तो क्या तरीकाकार है? आप सिंपली लिखेंगे पब्लिक डबल सरकमफेरेंस और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे इट वुड रिटर्न। ये क्या आंसर देगा? रिटर्न करेगा 2 × 3.14 × r। तो सर्कमफेरेंस का सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो 2πr को यहाँ पे हमने फार्मूले को डिफाइन कर दिया है। जो ही फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इस फंक्शन को हम मेन फंक्शन के अंदर जब भी कॉल करेंगे तो वो हमें सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके दे देगा। हाँ, उसके लिए यह है कि आपको रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। देन हमारे पास जो सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर। तो हम सिंपली लिखेंगे पब्लिक डबल एरिया और उसकी जो कर्ली ब्रैकेट सी आपको रेड कलर की नज़र आ रही है इसके अंदर रिटर्न 3.14 × r देन × r। आर स्क्वायर को जब भी आपने इधर कोडिंग प्रोग्रामिंग में लिखना है तो आपने r मल्टीप्लाई बाय r लिख देना है। स्केयर टाइप करने का, रेज टू पावर टाइप करने का जो प्रोग्रामिंग में अक्सर ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, तो अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो सिंपली आप r मल्टीप्लाई बाय r लिखते हैं तो वो भी पाई r स्केयर बन जाएगा। दोस्तों डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पे आते हैं कि डिक्लेयर द सर्कल क्लास हैव क्रिएटेड अ न्यू डाटा टाइप। जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के नेम से क्या होता है कि आपका एक अपना यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन जाता है। तो हम अगर सपोज के क्लास हमने जो बनाई है उसका नेम है सर्कल, तो सर्कल ए बी जैसे हम इंट ए बी लिखते हैं इसी तरीके से हम फिर लिखा करेंगे सर्कल ए एंड बी। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम ए बी की बजाय ए सर्कल बी सर्कल रख दिया गया। तो ये वही तरीका है जैसे हम इंट ए इंट बी वगैरह लिखा करते हैं। तो कैन डिफाइन वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट टाइप, और जो ये ए और बी यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे ये बेसिकली क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे क्लासेस के अंदर। तो क्लासेस के अंदर यूजर डिफाइन आपका डाटा टाइप बनता है जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बना करता था C++ में, अगर आपने वो लेक्चर सुना हो देखा हो। और वो जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप आप अपनी मर्जी का जो डाटा टाइप बनाते हैं उसके सामने जो आप वेरिएबल्स लिखते हैं वो वेरिएबल्स बेसिकली क्या हो जाते हैं? आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं उस स्पेसिफिक क्लास के। और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं उस स्पेसिफिक क्लास के रेलिवेंट जो डाटा मेंबर हैं और मेंबर फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो हमने फील्ड्स और मेथड्स
उस क्लास सर्कल क्लास के अंदर सपोज यहाँ पे जैसे जो डिफाइन किए होंगे डिक्लेयर किए होंगे उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ए और बी ये आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें कि ए सर्कल और बी सर्कल क्या है, ये दो वेरिएबल हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट नल हैं, सिंपली रेफर टू अ सर्कल ऑब्जेक्ट नॉट एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये खुद नहीं बल्कि ये सर्कल के ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि हमने इनको डाटा टाइप जो इनकी लिखी थी वो सर्कल क्लास के नेम से डिक्लेयर की थी। अब ये हमारे पास ए सर्कल इनिशियली क्या है, नल वैल्यू पॉइंट्स टू नथिंग, और बी जो है ये भी पॉइंट्स टू नथिंग नल रेफरेंस। जब हम इसको प्रॉपर क्रिएट करेंगे न्यू सर्कल लिख के, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड डायनामिकली यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो इसके क्रिएट होते ही एक किस्म का खाली वाला सर्कल बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर रेडियस और कितनी कैलकुलेशन क्या होगी वो हम अपना अकॉर्डिंगली बाद में टाइप करके मेंशन करके स्कैनर के थ्रू इनपुट करा के या जैसे भी पॉसिबल होगा वो इनपुट करा के बना लेंगे। तो सपोज हमारे पास एक ए सर्कल हमने बनाया तो ये न्यू सर्कल बन गया, और बी सर्कल बनाया ये न्यू सर्कल के जरिए से हमारे पास एक बी सर्कल क्रिएट हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको जो है ऑब्जेक्ट का क्रिएट होना उसका आइडिया भी क्लियर हो गया है। तो ये लिखने का तरीका कार क्या है जी, ए सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल और बी सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल सेमी कॉलन। अब अगर आप असाइन करना चाह रहे हो, सपोज के ए सर्कल का जो भी डाटा आपने असाइन किया है वही वैल्यूज बी को असाइन कर दें, तो सेम उसी स्टाइल का सर्कल उसी वैल्यूज वाला सर्कल जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब ये देखें जैसे हमारे पास ए सर्कल के अंदर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को बिफोर असाइनमेंट हम देख रहे हैं, और फिर यहाँ बी सर्कल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको देख रहे हैं। तो बिफोर असाइनमेंट जो है होता क्या है कि एक टाइपो मिस्टेक थी, मैंने पास करके वीडियो उसको एडिट कर लिया। तो बिफोर असाइनमेंट जो है बी सर्कल जो है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था और ए सर्कल पी को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया बी इज इक्वल टू ए सर्कल, तो क्या हुआ कि हमारे पास जो बी सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टूवर्ड्स पी सर्कल जो कि हमारा ए सर्कल था। तो ये कुछ तरीकाकार है, ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे सिंपल वेरिएबल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो चेंजेस ये होती हैं कि ये आपके अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास के नेम के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं, और इनके अंदर जो डाटा आपने स्टोर करना होता है उस डाटा की जो टाइप या कैटेगरी के किस किस्म का डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी क्लास के अंदर फील्ड्स कौन सी हैं और मेथड्स कौन से हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन और फर्दर जो डिस्कशन है हमारी प्रोग्राम्स की प्रॉपर वैल्यूज को एक्सेस करना और एग्जीक्यूट करना, उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो वीडियोस हैं उनको प्रॉपर एचडी में अपलोड करने के लिए तरीका यही होता है कि थोड़ी थोड़े साइज की फाइल अपलोड की जाए ताकि एचडी आपको अपलोड हुई नज़र आए। अगर मैं उसको ज़्यादा लेंथी बना दूँ तो वो फिर लो डेफिनेशन ब्लर किस्म की वीडियोज़ अपलोड हो जाती हैं, जिसके 360 या 240 पिक्सल वाली वीडियोस होती हैं, उसमें फिर आपको लेक्चर्स खासकर जो कंपाइलर पे हम प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे थे वो सही तरीके आपको डिस्प्ले पे नज़र नहीं आ सकते। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।